खाना शाना जी खिला रहे हैं। मैंने ना इस इनार के पास इस बच्चे को बिठाया है, साइम को डंडा दे के, कि कोई भी जो है वो अनार तोड़े उसे ना तूने डंडों के साथ उसकी पिटाई करनी। और इस साइड पे अहमद को बिठाया है। अवल जी एंड हो गए, अभी ये जो बच्चे शच्चे आए थे, जैसे ये नवीद हो गया बच्चा एक अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे, खुश आमदीद मेरे नए व्लॉग में। आज ही हम सुबह सुबह तैयार होकर खड़े हुए हैं क्योंकि हमारे घर जमात आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ जमात होती क्या है। ये एक जो है रवायत चलती आ रही है शुरू से ही, गाँव में हमारे घर में आते हैं कुछ बुजुर्ग होते हैं और साथ उनके ना कुछ मलंग होते हैं जिन्होंने झंडे पकड़े होते हैं काफ़ी ना ऊँचे ऊँचे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका ना इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इन्होंने वैसी रवायत बनाई हुई है। सारे आते हैं मुख्तलिफ घरों के अंदर स्टे करते हैं, हमने अब चावल वगैरह पकाए हुए हैं तो हर साल इनके लिए बनाते हैं क्योंकि मुसाफिर होते हैं। एक रात हमारे गांव रुकते हैं, उसके बाद यहाँ से सुबह अब हमारे पास आएंगे। ऐसे घरों से इकट्ठे ना हो कि सारे आते हैं, सारे मोहल्ले से पैसे वगैरह जो दें अपनी खुशी से जितना ये रख लेते हैं, तो अभी हमारे घर आ रहे हैं तो हमने थोड़ी सी उनके लिए तैयारी श्यारी की है। ये देखें यहाँ बैठाएँगे वो जो उनमें से बुज़ुर्ग होते हैं, बड़े जो होते हैं उन्हें यहाँ बैठाते हैं। और दूसरा ये इनार वगैरह भी है, ये पीछे बैठा हुआ नमीद, उसने ना इसके ऊपर काफ़ी बड़े बड़े इनार थे पके हुए थे तो उसने ऊपर कपड़ा दे दिया, गाड़ी भी साइड पे कर दी है क्योंकि यहाँ से उन्होंने सामने से गुजरना है। तो साथ जो हैं वो गांव के बच्चे भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए ना फिर वो गाँव के बच्चे जो हैं वो काफ़ी ये चीज़ें करते हैं, अनार तोड़ लिए या फिर ना गाड़ी को वो मतलब छेड़ते छूटते हैं। अभी चलते हैं बाहर उनके लिए जो चावल पका रहे हैं, मेरे ख्याल से पक गई है, मैं थोड़ा लेट उठाऊँ तो आपको जाके चावल भी पहले दिखाते हैं। तो मेरे ख्याल से आने वाले हैं बाबा वगैरह बाहर ही खड़े हैं, तो इंशाल्लाह ना मैं आपको सारा दिखाता हूँ। देख जी हमारी कंप्लीट हो गई है, ये देखें जी माशाल्लाह चावल पक गए हैं। ये बाहर हवेली में ही पका रहा है, हवेली में है। ये ना गांव में सेपी होती है, सेपी से मुराद के एक नाई रखा होता है जिसे कि जो हम मतलब हर 6 महीने के बाद चावल और गंदुम देते हैं, वो फिर आता है हमारे घर आके बाल वगैरह भी हमारे काट देता है, या फिर कोई गाँव में फंक्शन हो मतलब हमारा तो वो आके ना हमारी जो देग वगैरह भी होती है या फिर जो भी पकाना हो वो पका देता है। तो वो ये सलीम को रखा हुआ है, तो इसे जो है 6 महीने बाद या फिर जो भी फसल आती है उसमें से इन्हें ना हिस्सा देना पड़ता है, तो इसलिए फिर ये सेपी करते हैं आके जो है गांव में हमारा जो बाबा का और हमारा जो खत वगैरह कर देते हैं या फिर चावल पका देते हैं। तो अभी ये देखें माशाल्लाह पक गए हैं, थोड़े से चखते हैं किस तरह के बने हैं, मज़े के हैं चावल। चावल बता ना किस तरह के बने, मिर्चा तेज ने बहरहाल चावल मजे तेज तक कर ला पहले बेहतरीन। जमात बाबे कितनी देर है आने में, आधा घंटा। चले जी इंतजार करते हैं बाहर बैठे हुए, तो अभी आते हैं तो हम आपको सारा दिखाते हैं इंशाल्लाह। देख सकते हैं क्या आ गई है, अभी इन्होंने ढोल वगैरह काफी बजाने हैं तो आवाज ना सही तरह नहीं आएगी। तो ये पीछे देखें इन्होंने झंडे भी काफी पकड़े हुए हैं, अभी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। अभी ये थोड़े झंडे हैं मेरे ख्याल से, अभी आगे मजीद आएंगे। तो बाबा वगैरह जो है ये देखें बाहर सारे खड़े हुए हैं, इन्हें यहाँ से लेके अंदर जाएंगे, दरवाजा वगैरह खोल देंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, फिर तलावत होगी, उसके बाद जी मजीद जो है दुआ करके चावल खाएंगे। अभी आ रहे हैं, मैं आपको सारा दिखाता हूँ आगे। जमात जी घर में दाखिल हो चुकी है, आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं जी जमात। ये गांव में कुछ लोग होते हैं झंडे पकड़ के मुख्तलिफ घरों में जाते हैं। तो फिर मुझे याद आया मैंने थंबनेल के लिए तस्वीर बनवानी है, तो मैंने अपने भाई को कहा, उसने मेरी तस्वीर उतारी, फिर हम आगे चल पड़े। अपनी हमने इन्हें सबको खाना भी खिलवाना है, आप हमारे साथ बने रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनमें से जो बुज़ुर्ग होते हैं उन्हें सामने चारपाइयों पर बिठाते हैं और बाकी सारे जो होते हैं जितने भी इनके साथ लोग होते हैं वो सारे जी आसपास बैठ जाते हैं, कुछ नीचे बैठ जाते हैं, ज़्यादातर नीचे ही बैठते हैं क्योंकि खाना वगैरह उन्हें खाना होता है तो ईज़िली ये फिर नीचे बैठ के खा सकते हैं। तो आगे जी मुझे खुद नहीं पता था, ये मेरे साथ भी पहली दफ़ा ही हुआ, अचानक ये जो ढोल बज रहे हैं देखिएगा, आगे वेल देते हैं एक दूसरे के ऊपर से, तो ये कुछ लोग आए थे और एक बीच में हमारे गाँव की अम्मा हैं वो जी हमारे ऊपर से वेल बाबा के ऊपर से देने लग पड़ी, साथ मुझे खड़ा कर दिया और फिर जी मेरा भाई भी आ जाता तो ये हमारे ऊपर से वेल दे रहे होते हैं। ये होता है कि नजर ना लगे या फिर इस मामले से वेल दी जाती है, तो इनकी मोहब्बत है। ये सारे जितने भी लोग थे फिर आसपास खड़े हुए वो सारे जी अपनी मर्जी के साथ वेल दे रहे थे। तो यहाँ से कंप्लीट होते हैं, आगे इन्हें अभी तलावत कुरान पाक भी होनी है, तो आप हमारे साथ बने, मैं आपको इंशाल्लाह सारा दिखाता हूँ।
वेल वगैरह दे के जैसे ही फारिग हुए तो ये खाना खाने से पहले जितने भी ये जमाती होते हैं ये पहले तलावत कुरान पाक करते हैं, उसके बाद दुआ करते हैं। तो अभी जी ये तलावत कुरान पाक कर रहे हैं, इसके बाद जिन्हें खाना खिलाते हैं। जितने भी बेरोजगार हैं सब नेक और जायज रोजगार नसीब फरमा, जितने भी बीमार हैं बीमारी करबला दवास्ता सब दुआ जी होगी है। कुरान पाक की तिलावत इन्होंने पहले की है, उसके बाद दुआ की है, और अब ये जी हैं जितने भी यहाँ जो आए हुए हैं उन सबको जो चावल बांट रहे हैं, और ये सारे जो मलंग हैं साथ या फिर जो मुसाफिर आए हुए हैं इन बुजुर्गों के साथ। बहरहाल इनका जो है तरीका नहीं एक मुनासिब है, एक तरफ तरावत कुरान पाक, दूसरी तरफ ढोल, और इनके जो हुलिये हैं वो भी जो हैं इस्लाम से जो हैं हटके हैं। बहरहाल अल्लाह ताला सबको हदायत दे। हमारे ये शुरू से आते हैं तो इसलिए घर में जो कोई मेहमान कोई भी हो तो हमारा फ़र्ज़ बनता है जी उनकी खिदमत की जाए। तो हम जी अब ये खाना वगैरह का स्टार्ट है, सारे ये लगे हुए हैं, अभी पानी वगैरह और जो खाना वगैरह इन सबको खिलाएंगे, उसके बाद जो ये खिला रहे हैं वो खाएंगे और हम भी बाद में खाएंगे। तो पहले इन्हें खिलाते हैं, उसके बाद जो खुद बैठते हैं खाने के लिए। खाना शाना जी खिला रहे हैं, मैंने ना इस इनार के पास इस बच्चे को बिठाया है साइम को डंडा दे के, कोई भी जो है वो अनार तोड़े उसे ना तूने डंडों के साथ उसकी पिटाई करनी, और इस साइड पे अहमद को बिठाया है, चेक करें अकेला बैठा हुआ बोर हो रहा है, इसे जो है अनार की हिफाजत के लिए बिठाया है। तो अभी सबको खाना शाना खिला रहे हैं, उसके बाद जो खुद खाते हैं, और ये जो बच्चे भी हैं और साथ जो खिला खिलू रहे हैं वो सारे फिर हम इंशाल्लाह बैठ के एंड पे खाएंगे खाना। ये देखे जी यहाँ से जो है वो मुर्तजा डाल डाल के दे जा रहा है चावल आगे जो है वो पानी पिलाने के लिए, और आगे सर्व करने के लिए अलग अलग हमने लड़के खड़े किए हुए हैं। उसके बाद ये बाबा जी ने कुछ शेर पढ़े, उसके बाद दुआ की, काफी अच्छा इन्होंने पढ़ा था, मैंने थोड़े से क्लिप आपको भी इनका दिखाता हूँ। चावल वगैरह जी खिला दिए हैं जमातियों को सबको, अब ये जाने लगे हैं आगे। जैसा मैंने आपको बताया ये गांव में, एक गांव में ये काफ़ी ज़्यादा घरों में जाते हैं, किसी ने पानी बनाया होता है, किसी ने चावल बनाए होते हैं, किसी ने रोटी बनाई होती है, ऐसे मुख्तलिफ जो हैं ये गुजरते जाते हैं, जो पैसे देते हैं ये पैसे रखते जाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो गाँव से गुजर के आगे जाते हैं अपनी मंजिल तक। शेखुपुरा वाली साइड पर इनकी मंजिल है, ये बैरिया टाउन के पास गाँव में, वहाँ से ये स्टार्ट होते हैं और इस साइड पर जाते हैं। अभी ये जो जमात जा रही है झंडे वगैरह सब ने अपने अपने पकड़ लिए हैं, और कुछ जो हैं ये सारे जमातियाँ नहीं हैं, इनमें से ज़्यादातर जो हैं वो गांव की हैं लोग, वो सारे साथ मिल जाते हैं खाना वगैरह खाने के लिए या फिर कुछ वैसे ही आ जाते हैं। बहरहाल ये जो है आज से चंद साल पहले बहुत ज़्यादा रश होता था ऐसे इवेंट पे, पर आहिस्ता आहिस्ता नहीं ये जो है वो कम हो जा रहा है। जमात जी चली गई है, इन्हें दुआ वगैरह भी हो गई है, चावल शावल सबको खिला दिए हैं, अब हमारी बारी आ गई है। ये जो चावल खिला रहे थे ये बच्चे जो ध्यान रखने बैठे हुए थे इनका अनार वगैरह का, और बाकी जो हैं कुछ रह गए हैं तो उन्हें अभी खिलाते हैं चावल वगैरह और ख़ुद भी खाते हैं। उसके बाद जी आपको अगली दिखाते हैं, अभी मुर्तजा के घर भी जाना है। ये जमात अभी काफ़ी घरों से होके ना इसके घर जानी है, इसने भी जो है वो चावल पकाए हुए हैं गुड़ वाले। तो अहमद लाइक करो सब्सक्राइब करो, बोल के लाइक करो सबसे गूंगे जी, तो लाइक करो सब्सक्राइब करो, गुड हो गया, सारे मिल के कहो गुड हो गया। जी एंड हो गया, अभी ये जो बच्चे शचे आए थे जैसे ये नवीद हो गया बच्चा एक अच्छा लगा दिए, अब ये सारे जो हैं बैठ के खा रहे हैं, है ना, बस कर अब पानी चावल खा दो। बाबा भी बाबा चावल वगैरह आप खा रहे हैं, और साथ ये बच्चे जो आए थे जो देखभाल कर रहे थे तू भी खा ले, बिस्मिल्लाह कर रहे, पसीना चेक करो। तभी बच्चे जो आए थे काम शाम कर रहे थे, अब चावल खा लिए, हो गए पेट फुल हो गया या नहीं, और खाना है। अच्छा बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। बहरहाल ये जो है रवायत एक बनी हुई है शुरू से, बेशक अजीब सी है, बीच में कुरान पाक की तलावत भी, ढोल भी, और जो है उनकी शक्लें भी, मतलब एक अल्लाह वाले को देख के अल्लाह याद आता है, किसी ने सही कहा है। बहरहाल इनका अपना ही एक सिस्टम है, ये स्टार्ट होते हैं ये बैरिया टाउन के आगे एक गाँव है, वहाँ से ये शुरू होते हैं, आते हैं ये मुख्तलिफ गाँव में घूमते हैं, उसके बाद ये जब सारा इनका ये जो एरिया क्लियर हो जाता है उसके बाद ये चले जाते हैं, पता नहीं अब कहाँ जाते हैं, वो एक दरबार बता रहे थे शेखपुरा वाली साइड पे, उधर ये चले जाते हैं। तो बहरहाल उनका अपना है, हम मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको देखने को मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।